ठीक है जी तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो कल भी आपको मैंने प्रिपेयर करने के लिए बोला था जिसमें मेन चीज़ ये थी कि आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेन एब्सोल्यूट एरर के बारे में देख के आएंगे कि वो क्या होती है और आपको मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप डिफरेंट जो मैट्रिक्स हैं रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के उन्हें एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के आइएगा होपफुली आप लोग पढ़ के आए होंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उसको और आपको नहीं पता कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और किस तरीके से हम उनको चेक करते हैं वो आप लोग प्लीज दोबारा से देख लीजिएगा टॉप टॉप मैट्रिक्स मैंने बोला था कोई भी आप चूज करेंगे रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के और अगर आपने टॉप फाइव चूज करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लिया और आपको पता है कि रिग्रेशन ये होती है क्लासिफिकेशन ये होती है तो आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर टूडेज लेसन अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे दो से तीन मिनट का एक पॉज लेते हैं जिसके अंदर अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से पांच मैट्रिक हैं टॉप क्लासिफिकेशन के और टॉप रिग्रेशन के अदरवाइज इट्स बेटर कि अगर आप चैट के अंदर वो बता दें जी तो जिनको पता है वो प्लीज चैट के अंदर लिख देंगे ताकि एक दफ़ा रिवाइज हो जाए सभी का अगर आप नहीं लिखेंगे तो मसला कोई नहीं है मैं बता भी सकता हूँ बट द थिंग इज के अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा वो सुना ही है ना मैं नहीं तो कौन बे मतलब आप नहीं तो कौन आप दोबारा से सर्च भी कर सकते हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के पांच मैट्रिक कौन कौन से ज़रूरी नहीं है कि मतलब तो आपको अभी से आना ज़रूरी है वो नहीं भी आता तो आप दोबारा से सर्च कर सकते हैं जी तो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी आज हम जो काम करने वाले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी अगर आपको शोर आ रहा है पीछे तो आप मुझे बता सकते हैं सो तो मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा अगर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे चैट में जरूर बता दीजिएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए अदरवाइज अक्सर औकात आपको पीछे इको आ रही होती थी ना पिछले दिनों के अंदर सो आई थिंक नाउ इट्स फाइन अच्छा मुझे एप्रीवेशन ना भेजिएगा कोशिश कीजिए कि फुल फॉर्म जो है वो भेजें ठीक है चलिए जी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ कुछ चीज़ें जो आपने मुझे बताई है रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के जो मेन मैट्रिक्स है उनके बारे में बात करते हैं फिर हम इसको देखेंगे कि ये मैट्रिक्स कहाँ पे किस वजह से जरूरी जु, होते हैं और कैसे हमने इसको यूटिलाइज करना होता है अगर हम बात करें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की तो आपको पता है बेहतरीन तरीके से कि हमने पिछले दिनों के अंदर सारी चीजें देखी हैं कि रिग्रेशन क्या होती है क्लासिफिकेशन क्या होती है जैसा कि मैंने बोला है कि मैंने रोजाना की बेस पे आपको ये रटवाना है रिग्रेशन वर्सेज क्लासिफिकेशन बाकी क्लस्टरिंग जो है वो बाद की बात है उसको हम बाद में देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके पास एक्स जो है वो फीचर्स हैं, उसकी बेस पे अगर आप वाई को प्रेडिक्ट करते हैं वो आपके पास आउटपुट या लेबल्स हैं और ये लेबल्स जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एक नोमेरिकुमेरिक क्वांटिटी है देन इट वुड बी रिग्रेशन प्रॉब्लम या रिग्रेशन की मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अगर यही चीज आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है यानी कि नॉमिनल या ऑर्डिनल है देन यू विल सी दैट एज ए मतलब y y इज इज इक्वल टू इफ यू आर व्हिच अ कैटेगोरिकल वेरिएबल देन दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ठीक है अब इन दोनों के जो मैट्रिक्स है उनके बारे में बात करते हैं कि हम किस तरीके से देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक बेस्ट है सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पांच मेजर हमने दोनों साइडों पे देखने हैं कि कौन कौन से मैट्रिक है मैट्रिक क्या होता है एक स्केल एक ऐसी चीज जिसकी बेस पे आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स को विद इन वन कैटेगरी माप सके कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ठीक है आप यही समझ लें कि आप अपनी क्लास को सारी जिंदगी पढ़ाते रहे हैं ठीक है सारी जिंदगी से सम पांच साल दस साल आपने पढ़ाया और अब बारी आई है उनका कुछ करके दिखाने की या बोर्ड के एग्जाम की एट दैट टाइम कुछ अच्छे कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं कुछ बुरा परफॉर्म करते हैं और आपके पास मैट्रिक क्या होता है उसका उनके परसेंटेज मार्क्स ठीक है होता है ना तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के भी मैट्रिक्स होते हैं अब इसका पहला जो मैट्रिक है आप, आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में बताया तो मैं बेसिकली जाता हूं जो टॉप मेरे पास मैसेजेस आए थे उसके ऊपर सबसे पहला जो यहां पे आता है वो मीन स्क्ट एरर होना चाहिए मीन स्क्ड एरर ये कल मैंने बड़ी डिटेल में बताया था इसको एम एस बोलते हैं जो दूसरा है वो है रूट मीन स्केयर एर रूट एम एस ई इसको मैं आर एम एस ई बोलता हूं ठीक है तीसरा है मीन एप्सोल्यूट एरर ठीक है मीन एप्सोल्यूट एरर इसको हम एम ए बोलते हैं चौथा हमारे पास यहां पे आ जाता है आर स्क वैल्यू ठीक है और इसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है मापी भी काफी लोगों ने लिखा है मेन एरर परसेंट वो भी ठीक है तो आर स्कर्ड या आर टू आर के ऊपर दो की पावर लिख देते हैं इसको हम आर स्क्ट भी बोलते हैं आर मैंने आपको कल बड़ी डिटेल में भी समझाया था कि हम वाई प्रोडिक्टेड वर्सिज वाई एक्चुअल को ड्रॉ करने के बाद आर स्क्र का स्कोर मैयर करते हैं ठीक है पता है ना इस चीज का हम वाई प्रोडिक्टेड वर्सिज एक्चुअल इन दोनों को ड्रॉ करते हैं फिर हमारे पास लास्ट वाला जो था मीन एब्सोल्यूट एरर ही है लेकिन इसके अंदर परसेंटेज एरर आ जाता है ठीक है मीन परसेंटेज परसेंटेज एरर इसको हम बोलते हैं एम ए पी ई ठीक है तो ये हमारे पास पांच मेजर जो हैं वो रिग्रेशन uh, के मैट्रिक है और ज्यादातर जो यूज होते हैं पहला दूसरा और ये चौथा ज्यादातर यूज होते हैं इनमें से पांचों में से भी ठीक है मीन एरर रूट मीन एर एरर और मीन और और आर एरर अगर मैं चौथा लगाऊं तो ये आपके पास रूट मीन सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर भी कभी कभी यूज होता है ठीक है लेकिन मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर बहुत कम यूज होता है बहुत कम होता है मतलब बहुत कम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आती जाएगी फॉर नाउ इसका जो है क्लासिफिकेशन के मैट्रिक कौन कौन से होंगे पहला होगा एक्यूरेसी, दूसरा होगा प्रसियन स्कोर रिकॉल स्कोर एफ वन स्कोर और इसके अलावा आपके पास और हो सकता है ROC या AUC ROC कर्व्स ठीक है ROC क्या होता है उसको भी हम देखेंगे रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम ROC बोलते हैं ठीक है ROC रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व और इसको AUC ROC भी बोला जा सकता है मतलब कभी-कभार हम AUC ROC के थ्रू भी इसको देखते हैं ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आपको मैं तब समझा दूंगा फॉर नाउ You need to know के कुछ मैट्रिक मशीन लर्निंग के हैं रिग्रेशन के वर्सेस क्लासिफिकेशन के ठीक है तक आपको clear हो बात? Okay हो गया गया बात अब आज का जो एल्गोरिथम हमने देखना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि Multiple Linear regression के अंदर हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है क्या और उसको किस तरीके से हम आगे जो है डिफरेंट तरीके से देखते हैं मतलब कैसे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को फर्दर अपने पास, आ, देखते हैं ठीक है जी ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है मल्टीपल रिग्रेशन या मल्टीलिनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है इसका काम क्या है जैसे आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिंपली एक हाइट और वेट यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करते थे और इससे इक्वेशन लेते थे राइट यहां पे आपने एक से ज्यादा को ड्रॉ करना है ठीक है मतलब एक लाइन ये या दूसरी ये होगी तीसरी एक और हो सकती है तो एक से ज्यादा लाइन को ड्रॉ करना और उन हर लाइन का अपना अपना जो भी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाली इक्वेशन बनाना उसको हम मल्टीलिनियर रिग्रेशन बोल देते हैं सिंपली वही चीज है लेकिन दो या दो से ज्यादा एक्स वेरिएबल्स हैं हमारे ठीक है जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है हाइट और वेट का इक्वेशन लाइन की यहाँ पे पहली लाइन की सेपरेट इक्वेशन है दूसरी लाइन की सेपरेट हो गई ठीक है लेकिन अक्सर का उसका उनका इंटरसेप्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है

इसको आप इसकी जो मेन है ना ऑटो कोरिलेशन भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं मल्टी को लिनियरिटी भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स की आपस में कोलिनियरिटी कितनी है यानी कि आपस में मल्टीपल वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप है ये वो टर्म है जो आपको फीचर इंजीनियरिंग के अंदर यूज करनी पड़ेगी मल्टी को लिनियरिटी यानी कि मल्टीपल लाइन बट सेम इम्प्रेशन ऑफ रिलेशनशिप मल्टी कोलियरिटी फिर होमोस्कैडिटी और फिर मतलब किस तरीके से उन लाइन के अंदर जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है फिर लिनियरिटी मतलब लाइन की लिनियरिटी कैसी है फिर रेजिडल इंडिपेंडेंस मतलब हर लाइन का रेजिडल जो है वो डिफरेंट होता है वो सेम नहीं हो सकता इसकी कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी ड्रॉ करके आज हम इस चीज को फर्दर जो है वो अपने पास देखते हैं अच्छा जी मैट्रिक्स जितने मैंने आपको बताया मैंने इसकी कल आपको एक लिंक भी दे दिया था साइकेट लर्न के ऊपर की आप वहां पे जाके बेबहा मैट्रिक्स और भी हैं सिर्फ यही वाले नहीं है तो आपने सिर्फ इसी पे नहीं रहना जितने मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिया कि ये इनफ है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैट्रिक्स बेबहा है और इन मैट्रिक्स को आपने बार 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 देखते जाना है ठीक है आज हम दोबारा से मल्टीलिनियर रिग्रेशन के ऊपर जाते हैं ताकि हम जो कल वाला काम किया था उसी से आगे स्टार्ट करें और हमें समझ आए कि हमने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना होता है स्क्रीन आपके सामने है जी मैं अब अपने कीबोर्ड पे पर शिफ्ट होने लगा अब हमने यहाँ पे जो चीजें हैं वो इस तरीके से सीखनी है कि कोडिंग के थ्रू हमें क्लियर होते हैं। ठीक है जी? और आप देखेंगे हम ड्रॉ कर लेते हैं अब कल हमने ये काम किया था हमने पांडास को इम्पोर्ट किया था नम अगर करनी है वो भी कर ले सी बॉन मैट प्लॉट बड़ी लीनियर रिग्रेशन मैंने यहाँ पे नम नहीं की अक्सर मैं कहता होता हूँ कि नम जरूर करें स so, हमेशा यही होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ इससे मतलब मैं वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियां मुझे ऐसे मिलती हैं मतलब चार लाइनें मेरी एक जगह जैसी मुझे नजर आ जाए मुझे लग जाता पता है कि ये मैंने कोडिंग की है ठीक है सो so, इसको मैंने स्टार्ट किया एंड देन मैंने आयरस का डेटा सेट लिया आयरस का डेटा सेट क्या होता है मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ आपको पता है आइरिस के डेटा सेट का पहले भी हमने काम किया है ये इस तरीके से डेटा सेट होता है आइरिस का सेपल लेंथ सेपल विथ पेटल लेंथ पेटल विथ एंड स्पीशीज अब आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि ये पहले चार कॉलम क्या हैं कौन सी डेटा टाइप है इनकी और स्पीशीज की कौन सी डेटा टाइप है नुमेरिक है इसकी इन चार की स्पीशीज जो है वो कैटेगोरिकल है इतना तो सभी को समझ आ गई है ना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इतना ईजी है चले शुक्र है अब आगे चलते हैं अब जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीलिनियर एग्रेशन के अंदर पेटल कहते हैं पत्ती को सैपल कहते हैं उसके नीचे वाले पत्ते को अगर मैं आपको सिंपल जबान में समझाऊं तो अगर फूलों की पत्तियां बड़ी हो रही हैं तो उसके पत्ते भी तो बड़े होंगे ना उनका डिपेंडेंस है ना उस पर भी एक छोटी सी बात है साइंस की अगर देखी जाए तो अगर मैं आपको आज आयरस का प्लांट दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सबसे पुराना मशीन लर्निंग का डेटा जो है वो आयरस के प्लांट पे ट्रेन हुआ था पता है आपको इवन बिफोर कंप्यूटेशन और इसी वजह से आयरस का प्लांट जो है ना वो बहुत मशहूर है मैं यहां पे स्क्रीन को लेके आता हूं जस्ट की वन सेकेंड बी दिस वन तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको ये है आयरस का प्लांट ये होता है पेटल और ये होती है ठीक है तो इस तरीके से आप इन प्लांट और का। तीनों का साइज और लेंथ एंड डिफरेंट है ठीक है तो एक साइंसदान ने क्या किया उसने उस वक्त इन तीनों प्लांट का डेटा कलेक्ट करने के बाद वो डेटा सेट पब्लिक कर दिया कि आप इस पर मशीन लर्निंग एनालिसिस कर सकते हैं वही एनालिसिस आज हम यहाँ पे मल्टीलिनियर के अंदर करने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ठीक है अब अब इस इस डेटा के अंदर, इस डेटा के के अंदर अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से इन चीजों का कोरिलेशन बनता है एंड हाउ कैन वी ड्रॉ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टूगेदर यहाँ पे आप चेक करें हमने क्या किया लिनियर रिग्रेशन इंपोर्ट की और ये तीन मेजर जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो इम्पोर्ट कर लिए अब मुझे बताएं कि रूट मीन स्वेड एरर मैंने क्यों नहीं किया यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था क्योंकि अगर साइंटिफिकली देखें ना मैथमेटिक्स की जुबान के अंदर तो मीन स्क्ट एरर का रूट ले लें तो वो रूट मीन स्वेड एरर ही है समझ आई तो जब भी आप एन पी मतलब नंपाई इस वजह से मैंने इंपोर्ट किया कि इसका रूट लेंगे तो एरर आ जाएगा ठीक है तो मैंने किस तरीके का लिए और हमने यहां पे एक मॉडल अपना ट्रेन किया यूजली ये जब हम ये वाला काम करते हैं जब हमने मैट्रिक्स डालने होते हैं तो हम कुछ बुनियादी असूल बनाते हैं वो असूल क्या है कि आपने अपने डेटा को एटी ट्वेंटी या थर्टी सेवेंटी के अंदर डिवाइड करना होता है जो मैंने कल भी आपको बताया था क्योंकि मैं यहां पे इनको डिवाइड नहीं कर रहा तो मैं ये बिल्कुल ही रिमूव कर देता क्योंकि मैं डायरेक्टली मशीन लर्निंग पूरे पूरे के डेटा पे ट्रेन कर रहा हूँ मॉडल समझ आई बात की या मैं पूरे के पूरे डेटा पे ट्रेन कर रहा हूं मैंने ये ट्रेन किया अब इसका इंटरसेप्ट और स्लोप यहां से हम निकाल सकते हैं जो हमने कल किया दो क्यों आए हैं क्योंकि हमारे पास एक्स दो है सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ सैपल लेंथ और सैपल ये दोनों इसके बेस पे हम कर रहे हैं को, राइट? दो चीजें इसी वजह से हमारे पास दो स्लोप इंटरसेप्ट एक ही है मैंने आपको बात बताई थी ना कि इंटरसेप्ट एक ही होता है उसकी रीजन क्या है वो भी देखते हैं अब अगर हमने प्रेडिक्ट करना है तो दो की वैल्यू देंगे जैसे मैंने कल आपको बताया था ये सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूं अब डेटा का आपको पता चल गया डेटा कैसा है? अब हमने जब एक एक्यूरेसी को मेयर करना है तो मैंने आपको बताया आप ले तो आपने क्या किया एक्स ट्रेन टेस्ट एंड वाई ट्रेन एंड टेस्ट के डेटा को यहां पे लिया ट्रेन एंड टेस्ट का डेटा क्या कहलाता है क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखते हैं ठीक है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये बड़ी गौर से समझिएगा बात क्योंकि अक्सर औकात आपसे बात इसी लहजे में होती है हाँ जी भाई क्यों सेवेंटी थर्टी क्यों एटी ट्वेंटी क्यों सिक्सटी फोर्टी नहीं लिया हमने समझ आई बात की ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जरा अपने ना होशोबास कायम रखने पड़ेंगे थोड़े से क्योंकि समटाइम्स हम लोग इस इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं और बाद में पता नहीं लगता हमें कि ये कैसे हमने अब इसको कवर अप करना है ठीक है अच्छा जी ये हमारे पास सारा डेटा है आयरस का कॉलम जैसे भी बन रहे हैं मेरे साथ दीजिएगा ये हमारे पास चार नोमरिक कॉलम है ये वाले और एक हमारे पास कैटेगोरिकल है ऐसे ही है ना डेटा हमारा चे जाए हमने क्लासिफिकेशन करनी है चे जाए हमने रेग्रेशन करनी है वी नीड टू फॉलो दिस ट्रेन टेस्ट सप्लेट मैथड रीजन क्या है वो अब सुनिएगा हमने यहां से दो कॉलम्स लिए एक और दो और तीसरे को हम प्रिडिक्ट कर रहे तो हमने पांच में से तीन कॉलम सेलेक्ट कर लिए एक्स और के बेस पे राइट ये जो मैंने एक्स लिया यहाँ पे ये हो गए हमारे फीचर्स और वाई हो गए लेबल्स ये वाले ठीक है अब अगर मैं सारे के सारे एक्स को सारे के सारे वाई पे ट्रेन करता हूं ना तो क्या होगा आप देखिएगा यहां पे एक्स है यहां पे वाई है ये पॉइंट मैंने ट्रेन किया ये सारे येलो पॉइंट्स पे मैं ट्रेन कर रहा हूं मैंने डेटा ट्रेन कर लिया सही है मेरे पास लाइन क्या आई इन येलो पॉइंट्स की बेस पे कुछ इस तरीके से लाइन आ गई ठीक हो गया अब बात सुनिएगा गौर से क्योंकि पूरे के पूरे डेटा सेट पे अपना मॉडल ट्रेन कर लिया है। बिकॉज ऑफ दैट नाउ व्हेन आई विल चेक माय मॉडल्स एक्यूरेसी तो मुझे जाहिर बात है कोई नॉन वैल्यू देनी पड़ेगी ना क्योंकि मैंने पूरे मॉडल को ट्रेन किया अगर मैं दोबारा से नॉन वैल्यू दूंगा ना तो ये ओवर हो जाएगी यानी कि द मॉडल और रेडी नोज के ये पॉइंट का वैल्यू क्या है समझ आई बात की अगर मॉडल को पता है कि ये पॉइंट की वैल्यू क्या है ये तो मुझे बहुत एक्यूरेट नहीं करके देगा नॉन वैल्यूज को कर देगा ना अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कि इसकी पांच वैल्यू है और मॉडल को भी पता है पांच है तो इसका मतलब तो ये हो गया मॉडल ने चीटिंग की राइट right? इसी वजह से इसको कहते हैं ओवरफिटिंग अब इसी बात को एक और एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा एक मेरे पास वैल्यू है जिसका नाम मुझे पता है ना मॉडल को पता है ये वाली वैल्यू Now, due to overfitting, हमने जब इसकी एक चेक की हमारे पास एक आ गई इसी फाइव फाइव की वजह से हंड्रेड परसेंट एक्रेसी फॉर एग्जाम्पल कि आर स्क्योर बहुत फिट आ गया चीज बेस्ट आ रही है लेकिन जैसे ही हमने जाना है अनु इसने प्रिडिक्ट करने के लिए इसके लिए मुश्किल होंगी क्योंकि हम ज्यूम कर बैठे हैं कि इसको हंड्रेड परसेंट पता है और यह हंड्रेड परसेंट बेस्ट ट्रेंड मॉडल है समझ आई तो ये जो हमारे लिए अनोन है इसके लिए भी अननोन है इसको प्रिडिक्ट करने के लिए ये क्या करेगा एस्टिमेट लगाएगा बेस्ड ऑन ऑल दीज वैल्यूज क्योंकि हमें लगता है कि ये वैल्यू मॉडल जो प्रोडिक्ट कर रहा है वो बहुत फिट है इस वजह से इसको ओवर फिटिंग बोलते हैं और यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम कुछ डेटा अपने पास बचा के रख लेते हैं इसमें से वो 20 फीसद हो या 10 फीसद हो या 30 परसेंट हो ये डेटा हमें करेक्ट आंसर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है और मॉडल की एक्यूरेसी जो नियर टू रियल टाइम है वो हमें बताता है बजाय इसके कि हम नॉन्स बता के इसको ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग की तरफ लेके जाएं। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का इसी वजह से आपको ये मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जस्ट गिव मी वन सेकंड ये मेरे पास एक ब्लॉग है मैं वो आपको यहां पे शेयर करता हूं और इसका लिंक भी मैं आपको भेजता हूं क्या करने लगा था मैं यस वन बी क्लियर ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको अच्छा अंडर फिटिंग वर्सिज ओवर फिटिंग ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग के अंदर यूज होती हैं इवन के डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के अंदर अब मैंने आपको ओवर फिटिंग तो बता दिया ओवर फिटिंग क्या है ओवर फिटिंग का मतलब है जब आप अपने डेटा को इस तरीके से उसके अंदर लाइन गुजारे अब लीनियर रिग्रेशन और हमने देख ली ठीक है अभी आपको पोलिनोम पढ़ाऊंगा फिर वन स्कूल पोलिनोमियल होता है टू होता है थ्री होता है डिग्री जो की होती है वन डिग्री 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 टू थ्री पोलिनोम उसके बारे में हम बात करेंगे बट फॉर नाउ कीप इन माइंड कि जब आपके डेटा में से सारे का सारे डेटा आपने दिया हुआ है ना उसको तो कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएंगे उसके अंदर ये जो लाइन बनेगी ना ये ओवर फिटिंग कहलाती है अब अगर आप इस तरीके से लाइन बनाए कि वो लाइन बेस्ट फिट भी ना हो मतलब हर एक पॉइंट को मद्देनजर ना रख रही हो तो वो अंडर फिटिंग हो जाती है अगर हर सारे के सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रख रही हो तो वो ओवर फिटिंग होगी तो हमने बीच का रास्ता अपनाना होता है जिसको बैलेंस्ड फिट लाइन बोलते हैं या अप्रोप्रिएट फिट लाइन बोलते हैं या रोबस्ट लाइन बोलते हैं ठीक है रोबस्ट मॉडल बैलेंस फिट मॉडल या इसको आप आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड मॉडल एक किस्म का अब ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि आप अपने डेटा को ऑप्टिमाइज करके क्रॉस वैलिडेशन की तरफ ले जाते हैं मतलब मैं 80 परसेंट डेटा जो है इसको दे देता हूं, इस पर लाइन बनाओ फिर 20 से चेक कर लेता हूं कि ये ओवर फिट है या अंडर फिट है क्या चल रहा है इसका सेम ठीक है और अक्सर औकात आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन के थ्रू ये चेक कर लेते हैं जिसे हम ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड वेलीडेशन फ्यूचर में भी आपको बताऊंगा अभी, अभी के लिए अगर आप ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग को याद रखें तो आपको याद हो जाएगा कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बेस में हम ये सारा चीजें देख सकते हैं सेकेंड ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मॉडल का रोल भी नहीं होता बल्कि मॉडल प्लस डेटा ये दोनों मिलकर रोल प्ले करते हैं अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं अगर हम अंडरफिटिंग की बात करें ये वाली जो चीज है अगर हमारा डेटा स्केल्ड हो और ये आउटलाइट वगैरह रिमूव हो जाए तो ये अंडरफिटिंग रिमूव नहीं हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिमूव द अंडर फिटिंग ऑफ द मॉडल या To 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 optimize the 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 model is to wrangle your data, to the data, to, to refine your data, data, data. refine of the time we work on EDA. अब समझ आ रही है कि क्यों EDA पे काम कर रहे हैं वरना तो मशीन लर्निंग सारे कर देते हैं मजा तो तब है ना मशीन accurately की जाए वो कल वाली बात नहीं मैंने आपको बताई थी क्या आप सवाल गंदम कर रहे हैं मशीन आपको जवाब चना दे तो फिर फायदा है इस वजह से हमें ऑफ द टाइम प्री प्रोसेसिंग के ऊपर लगाना पड़ता है ये आर्टिकल आप पढ़िएगा और इसके अलावा भी तीन से चार आर्टिकल मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आज और वो आर्टिकल आप मतलब दस पंद्रह मिनट लगेंगे आपके पढ़ने के लिए उनसे आपको समझ आ जाएगी कि ओवर क्या है अंडर क्या है और लोगों ने इसी चीज के ऊपर पूरे के पूरे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ओवर फिटिंग और को किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है ये छोटी सी टर्म नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको बताया और आपने रेगुलराइज किया अपने डेटा को को और आप और को कंट्रोल करके बट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन अचीविंग दिस थिंग ठीक है तो ये अभी आपके पास टेलीग्राम के ऊपर लिंक मैंने भेज दिया और इस पे जब हम बात करेंगे दोबारा से अगले एल्गोरिथम्स में जाएंगे तो आपकी इसको और भी आपको इसकी समझ आएगी ठीक है फॉर नाउ We have to be जब हम and करने का मौका देता है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा डेटा जो है सारे के सारा हमने जो दिया है उसकी बेस पे डेटा सारे के सारा नॉन नहीं चला गया हमारे पास हमारे पास कुछ डेटा है चीजों को वेलीडेट करने का कि डेटा किस तरीके से हमारे पास आंसर देगा okay अच्छा जी ट्रेन टेस्ट जो है ये सेमी में नहीं फॉल करता एक क्वेश्चन आया था नहीं ये डिफरेंट है बेसिकली जिसमें बाय है वो सुपरवाइज है ठीक है अगर आप एक मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात बता देता हूँ यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से और थ्योरेटिकल एक बात छोटी सी बता देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो है जो आपको समझ आना जरूरी है यहाँ पे यहां पे अगर मैं इसको फिफ्टी फिफ्टी कर लू ना तो आप कह सकते हैं कि सेमी सुपरवाइज है लेकिन y की वैल्यू आपको एक की रिमूव करनी पड़ेगी ठीक है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस नहीं करेंगे फॉर नाउ वी हैव टू बी केयरफुल कि हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं और हम लीनियर रिग्रेशन और मल्टीलिनियर रिग्रेशन को देख रहे हैं ओके हो गया जी अब हमने ट्रेन टेस्ट सप्लिट क्यों करना है ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बात हम इस वजह से करते हैं कि डेटा जो है उसको क्रॉस चेक करने के लिए तो मेरे पास अगर डेटा सो रोज का है तो इसमें से मैं अस्सी रख लूंगा ट्रेनिंग के लिए और ट्वेंटी में रख लूंगा टेस्टिंग के लिए या सेवेंटी या थर्टी कर लूंगा ठीक है तो ये तीन चार चीजें यूज होती है सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव भी हो जाती है लेकिन आप तीनों को चेक करके अपनी मर्जी से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सी डेटा वैल्यू यहां पे रखनी है मैं यूजली एटी ट्वेंटी रखता हूं हूँ ओके okay, अभी हम, अभी हम नहीं गए कर रहे हैं खुद को सभी तो जाएं जो आप कर रहे हैं तो ट्वेंटी है, है? मुझे ये बताएं। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझ आ जाए सारा साल आप पेपर पढ़ते हैं सारा साल आप एक सिलेबस पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल के अंदर या सेमेस्टर के अंदर सिलेबस के स्पेलिंग गलत हो सकता है सॉरी फॉर देट मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ उसमें वैसे मेरी उर्दू ऐसी है तो सो डोंट वरी अबाउट डॉक्टरों से अच्छी है लेकिन ठीक है सिलेबस आप सारा साल पढ़ते हैं लास्ट पे टीचर क्या करता है आपको एक क्वेश्चन पेपर देता है और उस क्वेश्चन पेपर के आंसर टीचर को पता होते हैं राइट लेकिन टीचर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे रहा है आपने भी सेम यही काम करना है आपने ट्वेंटी परसेंट डेटा जो है ना एटी परसेंट आपने पढ़ा दिया एटी परसेंट पे आपने सारा साल पढ़ाया सिलेबस उसका वो एटी परसेंट हो गया अब जो क्वेश्चन है वो आपके ट्वेंटी परसेंट डेटा है जिसके आंसर आपको पता है लेकिन मशीन को नहीं पता समझ बात की और हम ये काम क्यों कर रहे हैं अगर मशीन के आंसर answer, हमारे आंसर के साथ मैच करते हैं जो ओरिजिनल आंसर है तो इसका मतलब मशीन एकट है मशीन की फर्स्ट पोजिशन आ गई है जैसे आजकल प्राइवेट स्कूलों में हर बच्चे की आ रही है ठीक है तो जो आज अच्छा चल कितनी अच्छी एग्जाम्पल अल्लाह तला ने नाजिल फरमाई है या अवर्द हुई है जो भी आप समझे नाजिल एक आ, वो वाला लफ्ज नहीं है जो अगर मेरे तो फतवा ना कोई ठोक दो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अवर्द हुई है, दिमाग में अल्लाह तला ने मुझे दी तो वो चीज ये है कि यार ये जो हर प्राइवेट स्कूल में बच्चों की छह बच्चों की फर्स्ट पोजीशन दो तीन चार बच्चों की सेकंड और पांच की थर्ड और एक को कोंसलेशन का प्राइस टोटल पंद्रह बच्चे क्लास में ये जो हो रहा है ना ये ओवरफिटिंग है भाई समझ आ गई बात की के नहीं समझ आई मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ उसको सारा कुछ बता के कह देते हैं, ये पढ़ लो यही आना है समझ रहे हैं बात तो हम असल में बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे यार इतने ही अगर हजार ग्यारह हजार, ग्यारह सौ वाले बच्चे जो है नंबर लेने के वाले वो बाद में क्यों इतने सोशली इनएक्टिव होते हैं वो बाद में क्यों इतना कोई अच्छा इनोवेशन नहीं कर पाते उसकी रीजन ये है सारा पूरा निज़ाम तलीम ही ओवर फिट हो अच्छी एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास इस वक्त कैसे ओवर फिट है बस छोड़ बैठे आपके पास एक डेढ़ लाख रुपए आप बच्चे को आठवीं में बोर्ड टॉप करवा सकते हैं कैसे यू नो बेटर तो ओवर फिटिंग का निजाम इतना खराब है प्राइवेट स्कूलों का तो छोड़ दें गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड का बस क्या ही बातें करें मुझे अभी भी याद है मेरे मैट्रिक के अंदर गरी बात है सिफारिशी बंदे नहीं थे गरीब बंदे का सिफारिशी कौन होता है आप खुद सोचे कोई होता है कभी मिलता है ऐसा सिफारशी हमें नहीं ना मिलता अब आपको मजे की बात बताता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से सीधी सी बात है मैं इस चीज को ऑन करता हूँ और आपको मैं अपनी बताने लगा मेरे मैट्रिक के प्रैक्टिकल के एग्जाम थे और मुझे कहा गया कि आप पंद्रह पूरे -पूरे नहीं थे अब ने बोला भाई, मैं उठा के देता दे जी मेरी सारी कीती क्राई घूझ बह जानी अगर आप ये पैसे देते हैं तो मैं सिफारिश हूँ इसका मतलब मैंने नहीं किया और यकीन माने मेरे पूरे नंबर नहीं लगे मेरे साथ डल बच्चे लेकिन अच्छे घरों के पूरे पूरे नंबर लेके बैठे हुए थे सो so, ये निज़ाम पैसों की बेस पे ठीक है इससे आगे सिर्फ खामोशी सो so, ये जो बीस परसेंट है ना कमिंग बैक टू द पॉइंट दीस परसेंट जो है ना डेटा आपका और जिसके आंसर आपको पता है आप इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं इसको बोलते हैं क्वेश्चन जो मशीन आपको बताती है इसको बोलते हैं वाई प्रडिक्ट ठीक है जो कल हमने देखा था जो आपको पता है वो वाई एक्चुअल है जिसको हम वाई टेस्ट कहते हैं राइट right? आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आएगा ना अब आपको समझ आ गई कैसे एक्यूरेसी स्कोर कैसे मैट्रिक्स और बाकी चीजें काम करेंगी यही तरीका कार है सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कोई थोड़ा बहुत चेंज हुआ था वो मैं आपको बता दूंगा बट फॉर नाउ आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है अब आगे मूव करते हैं ट्रेन टेस्ट सप्लीट आपको समझ आ गया कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क नाउ बाकी इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको और भी बताता जाऊंगा बाकी एजुकेशन सिस्टम की बात करें मेरा बस चले ना यकीन माने मेरे पास अगर रिसोर्सेज हो ना मैं ऐसा निज़ाम तलीम कायम करूं कि हर स्कूल के बच्चों को ना पीएचडी बच्चे पढ़ाएं ये जितने बेचारे वेले फिर रहे हैं ना इनको अच्छी अच्छी सैलरीज दी हो तो ये स्कूल से सारे बैठ के पढ़ाएं हर स्कूल के अंदर लेकिन वो निज़ाम बस छोड़ बातें हैं जी किसी का क्वेश्चन है अभी तक तो वो बता सकते हैं पूछ सकते हैं बिल्कुल इमरान भाई यू आर राइट ठीक हो गया अब आगे चलते हैं मूव करते हैं आगे जो एक्यूरेसी स्कोर और बाकी चीजें हैं ना वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बेस पे हम देखेंगे बट वी विल सी कि हम एक्स वाई के बेस पे क्या कर सकते हैं उसको फर्दर आगे ठीक है एक वैलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा डीप लर्निंग के अंदर जाके सो कीप इन माइंड ट्रेन टेस्ट के अलावा वैलिडेशन भी है वो बाद में हम देखेंगे बट फॉर नाउ ट्रेन एंड टेस्ट शुड बी इन योर माइंड ओके लेट्स मूव टू हैदर नाउ अब आपको समझ आ आएगी जनाब यहाँ पे क्या सिस्टम चला है बाय द वे ये चीज किसी ने सोची है कि क्यों है रैंडम स्टेट बैतालीस बयालीस क्यों है ये रैंडम स्टेट बड़ा मजे वाला आंसर है अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी मर्जी है लेकिन यकीन माने मैं जब भी इस चीज को बताता हूं ना तो मुझे खुद पे भी हंसी आ रही होती है कि हम हम लोग कर क्या रहे हैं ये एक भीड़ चाल वाला कॉन्सेप्ट है फोर्टी टू भीड़ चाल होती है ना भीड़ चाल होती है कि भीड़ चाल होती है जो भी चाल होती है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट आपके चैट का मैं जवाब का वेट कर रहा हूं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में नहीं पता चले मैं आपको बता देता हूं स्टार्ट स्टार्ट में ना अच्छा रैंडम स्टेट होती क्या मैं आपको बताता हूं रैंडम स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जब भी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूं और मैंने यहां पे 42 लिखा हुआ है ना तो सेम वही एक पैच 80% में आना है जो 42 पे आया था और जब भी मैं 42 यहां पे लिख के रन करूंगा ना सेम वही पैच 80% होगा बाकी बाकी 20% होगा अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो हमेशा 80% डिफरेंट डेटा का होगा मतलब 100 में से अस्सी फीसद कभी वो शुरू से ले लेगा कभी एंड से ले लेगा कभी बीच में से ले लेगा कभी शुरू से और एंड से मिला के ले लेगा कभी अपनी मर्जी से जहां जहां दिल करेगा वहां से ले लेगा तो रेंडमाइज करता जाएगा उस चीज को अब आप गौर कीजिएगा यहां पे ये जो वैल्यूज है क्या चेंज करती है कि नहीं गौर कीजिएगा बड़े ध्यान से चेक करें हर दफा चेंज हो रही है ये क्यों पॉसिबल है अभी दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं रैंडम स्टेट फोर्टी टू करते हैं चेंज हो रही है क्यों क्योंकि डेटा सेम आ रहा है हर दफा अगर आप रैंडम स्टेट ना लिखें तो डेटा आपका डिफरेंट आएगा हर दफा और अगर डेटा आपका डिफरेंट आएगा इसका मतलब है कि आपके पास इंटरसेप्ट और स्लोप डिफरेंट आएगी इस वजह से साइंसदानों ने यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए साइंसदानों ने हमी बतालीस किसी ने मेरी तरह के बंदे ने लिख दिया होगा हो सकता है उसका कोई फेवरेट नंबर हो जैसे अफरीदी की शर्ट का पता नहीं क्या है

अपने तरीके से बता रहे हैं एक गिवन नंबर दे के, के कौन सा डेटा कितनी वेरिएबल में लेना है ठीक है समझ आ गई बात की अब आगे बात बताता हूं जिस बंदे ने ये चीज यूज की थी ना आपको चैट में भी पता लग रहा होगा काफी लोग बता रहे हैं एक बुक का रेफरेंस दे रहे हैं और उस रेफरेंस के अंदर डॉक्लास एडम्स ने ये यूज किया था बेसिकली दोगला बंदा था डोगले सम्राट डोगलास मैं नाम को कह रहा हूँ वैसे अल्लाह ताला मैं किसी के बारे में बुरी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए याद रखवाने के लिए वो साइंसदान कहते हैं ना कि बच्चों को कैसे याद करवाना है कि रेडियो किसने बनाया रेडियो नहीं चल रहा तो मारकोनी मारको नहीं मारकोनी मार रेडियो चल पड़ा तो किसने बनाया था मारकोनी ने सो इस तरीके से बस याद करने का तरीका और कोई नहीं तो बेसिकली ये जो आंसर आपके पास चैट के अंदर आया है ये इसी को बेस अगर करते करते जाएं तो ये आंसर टू अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ़ लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग उसका जो एक नंबर डिस्क्राइब किया था वो फोर्टी टू किया था इस वजह से ये वो आ रहा है लेकिन इसके पीछे कुछ राज छुपा है 42 का मैं जब लिखता हूं, तो यहाँ पे नीचे इंटरसेप्टर नाइन मैं यहाँ पे जब जीरो लिखता हूँ या कुछ और लिखता हूँ ये आंसर आ रहा है इसका मतलब यह है कि हर नंबर एक स्पेसिफिक चंक ऑफ एटी परसेंट को रिप्रेजेंट करता है समझ आई बात की हर एक एक नंबर स्पेसिफिक चंक को रिप्रेजेंट करता है वो स्पेसिफिक चंक ऑफ एटी परसेंट जारी बात है अब आपने ये तो नहीं कहना ऊपर वाले ले लो अस्सी वाले नीचे वाले रहने दो तो ये डेटा के साथ नाइन साफ इसको हम बोलते हैं बाइसनेस बाइस डोना परवरी सिफारिशें हम लोग तो वाकिफ है ना एक बंदा आ रहा है पीछे सभी को लेके आ रहा है ठीक है सो so, यहां पे आपने एक दफा जो बता दिया उसकी बेस पे एटी ट्वेंटी का रूल बन जाता है अगर बाइस्ड होंगे आप तो आप बाकायदा उसको बताएंगे कि एटी ऊपर वाला ले लो नीचे वाला दूसरा ले लो ये रेंडमाइज्ड है लेकिन एक दफा रेंडमाइज्ड है बाद में उसी को यूज कर रहे हैं ठीक है समझ आ गई बात की कॉन्सेप्ट क्लियर ओके okay. अब मैंने यही मॉडल को लीनियर रिग्रेशन को इस पर फिट किया यहाँ पे इंटरसेप्ट और स्लोप ले ली जो कल हमने देखा था अब हम क्या कर रहे हैं ये है जी हमारे आंसर जो हमें पता है ये वो वाले आंसर हैं जो मशीन ने बताए हैं समझ गई बात की कितना आसान हो गया ना ट्रेन टेस्ट टाइमिट अब इसको हमने ड्रॉ किया एनहेर इट को अब आपको भी पता है कि अगर ये एक ही लाइन में आए तो इसका मतलब है हंड्रेड परसेंट एकट है ऐसे ही है ना मैं एक मिसाल देता हूं अगर मेरे पास इसकी वैल्यू पॉइंट फाइव है और आंसर भी पॉइंट फाइव आया तो ये वैल्यू आ गई वन और वन का आंसर भी वन आए तो ये वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फाइव का ये है तो ये तो इसका मतलब अगर हमारे पास आंसर सेम आते जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी ना स्ट्रेट ये मेरे हाथ से टेढ़ी बनी है लेकिन आप इसको स्ट्रेट कंसिडर करें तो ये बिल्कुल एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे अगर 100% एक्यूरेट होगी जो रेयरली होता है बहुत रेयरली होता है ये अगर ऐसा हो जाए तो भाई आप तो चैट जीपीटी कभी गलती ना करे फिर सिंपल सी बात है और लोग पॉइंट्स में अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं एक मैं आपको जिंदा मिसाल देने लगा हूं आजकल की जीपीटी 3.5 के बारे में किसी को पता हो जब पिछले दिनों जीपीटी 4 आया था तो क्या कह रही थी दुनिया चेंज होने वाली है जीपीटी ने ये कर देना वो कर देना उसकी वजह क्या थी इस मॉडल की एक्यूरेसी बड़ी है समझ आई बात की और गूगल का क्या हाल हुआ था वो सिर्फ इसी चीज की वजह पे तो हुआ था उन्होंने अपने मॉडल को हो सकता है ओवरफिट कर लिया हो वो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया गूगल हल नहीं कर पाया फिर क्यों ट्रेन नहीं था सही तरीके से समझ रहे बात को। तो उसका बार्ड बिचारे का खराब गया था और वो जो बार्ड जो गूगल ने अपना बनाया था ए आई चैट जीपीटी का राइवल उसको हंड्रेड बिलियन डॉलर से भी ज्यादा मेरे ख्याल से नुकसान हुआ था सिर्फ एक गलती की वजह से ये दुनिया की पहली गलती जो इतनी महंगी पड़ी होगी वो भी ए आई की ठीक है सो जस्ट इमेजिन कि ये जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना इसका इम्पेक्ट दुनिया में बहुत बड़ा है इस वक्त ये आपको मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ और आगे आप ये चीजें देखेंगे आपको और भी समझ आएगी अब लोग ना इन पॉइंट्स को क्लोज एक लाइन पे लाने के लिए ना हजारों टेक्निक्स बना चुके हैं कि हाउ टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ए मॉडल लोगों ने पी एच डिया की हुई हैं सिर्फ इस एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए लोगों ने एम फिल के थीसिस किए हुए हैं लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाई हैं सिर्फ कि हमें अपना अपना मॉडल इंप्रूव करके आपको देते हैं ये एमेजॉन वेब सर्विसेज वाले क्या करते हैं हगिंग फेस का किसी को पता है हगिंग फेस एच यू डबल जी आई एन जी एफ ए सीई मेरे ख्याल से हगिंग फेस उस पर जाए उनके मॉडल आप ट्रेन कर सकते हैं अच्छा गूगल टीचेबल मशीन का किसको पता है नहीं पता सर्च कीजिएगा गूगल टीचेबल मशीन आपने सिर्फ इनपुट डेटा आउटपुट डेटा देना है सिलेक्ट करना उसने करके है ना लो यकीन माने मेरे पास टीम अच्छी हो ना हम पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ मॉडल्स की एक दी जाए ना अन्ना पैसा छाप सकते हैं मैं सीधी बात कर रहा हूँ अगर प्लान सिर्फ पैसा छापने का हो लेकिन मसला ये है कि हम कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो बड़ा करने के लिए हमें जरा ना डिफरेंट वे में जाना पड़ता है सो दिस इज द थिंग जो एक्यूरेसी मैटर करती है वो इस वजह से है ठीक हो गया जी नेक्स्ट मूव करते हैं अब अब यहां पे स्क्वायर अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों की क्लोजनेस ज्यादा है राइट यही चीज है ना आर स्क्वायर क्या था याद करें पियर्सन और दूसरा कोरिलेशन जो मैंने आपको बताया था

जो जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं मशीन उसको नेगेटिव कर कर रही है वो तो उल्टा ही काम हो गया ना बिल्कुल वो तो बेड़े ग्रह हो गया जैसे बार्ड ने, बार्ड ने किया था। ठीक है सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुलिस का रोल ये है। फिर, और error, जो मैंने आपको बताई है वो कल भी हमने डिस्कस की थी वो लाइन से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का ठीक है वो आपको समझ आ गई थी कल ओके हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट कुछ इस तरीके से बनता है आप यहां पे मल्टीपल लिनियर एग्रेशन के अंदर आप एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं बट दैट कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ओनली गिविंग यू द सबसेट ऑफ न्यूमेरिक डेटा जो कल मैंने आपको बात समझाई थी फीमेल और मेल की ठीक है हमने यहां पे स्मोकर जरूर लिखा है लेकिन हम यहां पे कहेंगे टोटल बिल वर्सेस टिप्स ऑफ

तीन मैट्रिक्स टिप्स का डेटा यहां पे आप स्मोकर को ले लिया सही है एक्स के अंदर स्मोकर क्या है एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है राइट यहां पे आप द्वारा समझिएगा वरना फंस जाओगे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है टिप नोमेरिक टोटल बिल नोमेरिक एंड साइज नोमेरिक क्या हम एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे एज अ लाइन लेट्स ट्राई दिस फिर हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डील करते हैं ठीक है मैंने सेम वही रूल अपनाया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया डेटा को लीनियर रेग्रेशन को लेके आया फिट किया मॉडल को प्रिडिक्ट करके वाई प्रिडिक्ट मेरे पास आ गई एक ही लाइन के अंदर मैंने स्कोर्स तीनों निकाल लिए ठीक है फिर मैंने इसी का एलम प्लॉट बनाना चाहा और क्या हुआ आप भी देख लें वो ये कह रहा है कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट यानी कि यस और नो को वो नुमेरिक डेटा मांग रहा है कि नुमेरिक दो भाई ये क्या कर रहे हो समझ आई बात की तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर और और हम क्या कर सकते हैं हम स्मोकर के डेटा की बिन्स बनाएंगे याद है हमने बिन्स बनाई थी डेटा सेट में बिन्स होती है अब उसके बारे में बात करते हैं बिन्स होती हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज की बेस पे प्रॉपर्टी कॉलम को एक नई वैल्यू दे देना मतलब क्या अगर हमारे पास एज का कॉलम हो हम कहेंगे दस से बीस साल के बच्चों को हम कहेंगे टीन एजर्स ठीक है जहां जहां पे उम्र वो आएगी उनके कॉलम के उस हिस्से में रोज के अंदर टीन एजर्स आ जाएंगे ठीक है तो इस तरह बिन्स बनती हैं तो मैंने क्या किया जहां पे स्मोकर है मैंने कहा यहां पे डेटा लोड किया और डेटा के अंदर एक नया स्मोकर बिन ऐड की डेटा स्मोकर का है लेमडा फंक्शन यहां पे यूज किया लैमडा फंक्शन क्या करता है ये वन लाइन का फंक्शन होता है और ये फॉर एग्जाम्पल लेमडा लिखने के बाद एक्स कॉलन ये आप लिखते हैं एक्स का मतलब क्या है कि स्मोकर के अंदर जो भी वैल्यू है ठीक है अगर इसको आप कर दो वन एक्स को वन कर दो अगर एक्स यस है तो मतलब जहां पे स्मोकर यस है वहां वहां पे वन कर दो लैम्बडा एक्स कॉलन वन इफ एक्स डबल इक्वल टू यस अदरवाइज जीरो कर दो तो हमने यस को कर दिया वन और जो स्मोकर नहीं है उनको कर दिया जीरो ठीक है? इससे हमारे पास स्मोकर भी आ गई और हमने क्या किया अब उसको एक न्यूमेरिक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जीरो और वन के अंदर, बाइनरी कॉलम जिसे हम बोलते हैं सही है और ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा लगेगा ये कॉलम मैं इसको कॉपी करता हूं यहां पे और आपको दिखाता हूं डेटा डॉट ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा चेक करें जहां पे नो है वहां पे जीरो हो गया तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया एंड पे डेटा मैनिपुलेशन करने के साथ ठीक है सिर्फ ये काम किया और अगर मैं ये चेक करें तो जहां जहां पे नो होगा वहां वहां पे जीरो और जहां पे यस होगा वहां पे हमारे पास वन आ जाएगा

एन सी ओ डी आई एन जी लेबल एन कोडिंग भी बोल सकते हैं ठीक है और आप इनकोडिंग के तरीके देखेंगे के कितने तरीके हैं और कम अज कम पांच लेके आने आपने की हाउ टू इनकोड अटेगोरिकल वेरिएबल इन टू अनुमेरिक वेरिएबल और ये मशीन लर्निंग का मेन एक पॉइंट <coughs> है जो बहुत जरूरी है ठीक है अगर आप अभी सर्च कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा क्या ख्याल है तो मैं यहाँ पे तीन मिनट के लिए चुप और साथ में पानी पीता हूँ क्योंकि आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा थोड़ा सा आप लोग दुआ ही नहीं करते यार <laughs> कहना चंगा टीचर है पल्ले पै गया खैर कोई बात नहीं ऐसी भी बात नहीं है बेहतर यह है कि अब अभी कर लें क्योंकि मुझे पता है ईद के दिन ना तुझे फिर शॉपिंग आते निकल जाना है ठीक है तो अभी पांच मिनट के अंदर अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकोडिंग करते हैं किसी भी चीज की और आप यकीन माने आई एम फीलिंग लाइक के जैसे अब हम मशीन अब मशीन लर्निंग हम पढ़ रहे हैं ना मैंने एडवांस में भी ऐसी नहीं पढ़ाई होगी पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है वो सारी बात एक्सपीरियंस के साथ बंदा सीखता है एंड नाउ आई एम फीलिंग के यार अच्छा ये भी अभी बताना चाहिए ये तब बताना चाहिए तो वो चीजें आ रही है माइंड में सो वी हैव टू मिनट्स अभी हमने देखना है

तो ये आप लोगों के लिए आज ही परचेज किया गया सुबह तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं जी वी हैव फाइव बल्कि मैं कहता हूं टेन मिनट्स हम रखते हैं इस चीज के लिए ओके जी तो आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा मेरे ख्याल से और काफ़ी कुछ मिल भी गया होगा अक्सर वो कहा था आप लोग यार चैट जी के पूरे के पूरे आंसर कॉपी करके चैट में रख देते हो ना मत ना पढ़ सके ना और तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़ुबान के अंदर हल्का सा लिखें उर्दू जुबान के मतलब नहीं है मतलब ये कि आप आपको जो समझ आई है वो ऐसे तो मैं भी उठा के सारा कुछ आपको भेज सकता हूँ पढ़ना तो सभी नहीं है तो उसका मकसद ये होता है कि आपको खुद को समझ आए ठीक है और जारी बात है ब्रायन नाम नहीं हमने ये काम करना था वी हैव टू वर्क ऑन थिंग्स जो हमें समझ आए ठीक है अभी मैं आपको ना वैसे बता देता तो हूँ कि क्यों हम हॉट हो, इनकोडिंग करते हैं और वजह क्या है इस इनकोडिंग की ठीक है अच्छा हमारे पास अक्सर एल्गोरिथम्स ऐसे हैं एम के जो हमें ये कहते हैं कि जब भी आप डेटा यूज करो डेटा शुड बी इन नुमेरिक फॉर्म वो प्रेफर करते हैं कि डेटा आपका नुमेरिक में हो खासतौर पे एक्स सारे का सारा एक्स शुड बी नुमेरिक आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों में से कोई एक हो कुछ एल्गोरिथम कहते हैं कि आपका डेटा कैटेगोरिकल हो तब भी चलेगा लेकिन वो कहते हैं कि इट शुड बी नाइस टू तो हैव नोमरिक तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अलगोरे हमें, हमें मतलब क्यों कहते हैं कि नाइस टू हैव उसकी रीजन है मेन रीजन क्या है अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूं पूरा डॉक्टर लगाऊंगा साथ मैंने पीएचडी की है अक्सर लोग कहते हैं बाबा ये ये क्या डॉक्टर नहीं लिखते होते मैं क्यों नहीं लिखते होते टाइम लगाया अच्छा खासा क्यों नहीं लिखे हम इतने डी एच एम एस वाले लाके बैठे होंगे डॉक्टर सो so, डॉक्टर मोहम्मद मैं यहाँ तो पूरा लिखता हूँ तो ये मैंने अपना नाम लिखा कितने हैं जी करेक्टर अच्छा स्टार्ट से एक दो तीन स्पेस चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस स्पेस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस करेक्टर्स छब्बीस करेक्टर्स हैं मेरे नाम के पूरी है जितने अब एक बात सोचें अगर मेरा डेटा इस तरीके से है और पूरे पाकिस्तान के कुछ पीएचडी लोगों का मैं डेटा इकट्ठा कर लूं, तो अगर मैं इस पे मशीन लर्निंग लगाने बैठूंगा इस तरह के डेटा सेट पे तो जहां पे मशीन को मैंने ये कहना था कि वन ले लो या ट्वेंटी सिक्स ले लो उसमें और ये पूरे नाम के करेक्टर्स और वो भी इंग्लिश में लिखे हुए कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्टोर कैसे होता है बाइनरी कोड्स कैसे स्टोर करते हैं डेटा को ए के पीछे कौन सी कम्बिनेशन चल रहे होते हैं और सिक्स के पीछे कौन से तो यूजअली क्या होता है नमेरिक डेटा जो है वो आसानी के साथ प्रोसेस हो सकता है एज कंपेयर टू अल्फाबेटिक का जो डेटा होता है इंग्लिश का तो एक तो ये है कि ये फास्ट प्रोसेसिंग होती है इसकी And fast if you have data. क्योंकि इनको इनपुट एज ए नुमेरिकाहिए बट एट दी एंड आपका रिजल्ट जो है आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होके देता है ठीक है <coughs> अब आगे चलते हैं एल्फाबेट अल्फाबेट्स के पीछे जो कोडिंग है मैं उसके पीछे नहीं जा रहा कि एस की करैक्टर्स कौन कौन से होते हैं या ए एस सी टू करैक्टर्स या एस की जिसे हम बोलते हैं वो क्या होते हैं और इसको किस तरीके से डी कैसे प्रिंट आउट होता है मैं इस थ्योरी के पीछे नहीं जा रहा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है मकसद ये है कि डेटा को कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल में क्यों किया जाता है ठीक है तो बेसिकली हम कंप्यूटर हमें कह रहे हैं कि जहाँ पे आप इंग्लिश के करेक्टर दे रहे हैं ना कंप्यूटर हमें कह रहे हैं पागल नंबर दे दो ठीक है तो आपने यहां पे कंप्यूटर को नंबर्स देने हैं डेटा देना है अब आगे चलते हैं यहाँ पे जो तरीका कार है वो कौन कौन सा है मैं आपको बड़ा आसानी के साथ बताने लगा इजी पहलाबल एंड कोडिंग ठीक है ये तरीका क्या करता है ये बेसिकली एक यूनिक नुमेरिक वैल्यू हर एक कैटेगरी को असाइन कर देता है कैसे आपको बड़ी मैं प्यार से समझा रहा हूं आप देखिएगा हमारे पास एक सेक्स का कॉलम है उसके अंदर या तो हमारे पास मेल आता है मतलब मेल एम एल ई या फीमेल ठीक है ये दो ही चीजें हैं ना हमारे पास उसके अंदर ठीक हो गया यहां पे ये करता क्या है ये मेल और फीमेल दोनों को एक सेपरेट यूनिक करेक्टर दे देता है वन और टू या जीरो और वन ठीक है इसका मतलब यह है कि जब भी लेबल इनकोडिंग होनी है पीछे जो प्रोसेसिंग चल रही है वो पहले यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ठीक है और हर एक यूनिक वैल्यू को एक सेपरेट नंबर समझ बात की अब आगे चलते हैं आगे जाने से पहले ये जो लाइब्रेरी है ना लेबल इनको की ये साइकिट लर्न के अंदर ही मौजूद है इसको हम

सेकेंड जो है हमारे पास जनाबे वाला वो है वन हॉट इनकोडिंग, तत्ती इनकोडिंग, कोडिंग ये मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तत्ती गरम गरम पंजाबी में इसको तत्ती बोलते हैं तत्ती का मतलब होता है मतलब जो गरम हो तपती हुई ठीक है इसको मैंने ये लफ्ज क्यों यूज किया इसके पीछे एक साइंस है मैं भी आपको समझाता हूँ ये क्या करता है दिस मैथड क्रिएट्स अ बाइनरी कॉलम फॉर ईच कैटेगरी मैं आपको समझाता हूँ बड़ी आसानी के साथ ईच कैटेगरी के लिए बाइनरी कॉलम बना देता है कैसे अक्सर उकात आपने देखा होगा जब आप गर्म रोटी उठाते हैं मैं मिसाल दे रहा हूं अगर समझ आए ठीक है वरना इग्नोर कीजिएगा मिसाल को गर्म रोटी उठाते मेरी आदत है जब मैं उठा लेता तो ना गर्म रोटी तो फिर ऐसे ऐसे उछालने लग जाते हैं कि यार ठंडी हो जाए होता है ना अक्सर उकात तो हमारे पास दो हाथ होते हैं बाइनरी या लेफ्ट या राइट या जीरो या वन तो वो ठंडी हो जाती है तो इसी वजह से मैंने इसको बोला था तपती हुई या तत्ती वन हॉट इनकोडिंग तो मैं गर्म रोटी से इसकी मिसाल देता हूँ यह क्या करता है आपका अगर मेल और फीमेल है ना तो इसने क्या करना है एक आपका सेक्स का कॉलम था ना इसने इसको दो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है एक को कर देना मेल और एक को कर देना फीमेल सॉरी मैं ये थोड़ा सा दोबारा से इसे ड्रॉ करता हूं ताकि आपको आसानी रहे एक को इसने कर देना आप मेल एम और एक को फीमेल और जहां जहां पे मेल है उसको वन कर देना बाकी जीरो करते जाना है मतलब बाइनरी कोड देने इसने जहां जहां पे फीमेल है वहां पे इसने वन करते जाना और बाकी जीरो करते जाना समझ आई बात की तो ये क्या करता है ये यूनिक वैल्यूज को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करके उसको बाइनरी कर देता है सही है और यही तरीका कार जो है ये लेबल इनकोडिंग इनकोडिंग का लेबल uh, से डिफरेंट इसे बनाता है वन हॉट इनकोडिंग ठीक है और इसमें कोई इतना कोई खास फर्क नहीं है ये काम वही करता है बाइनरी में ले जाता है और बाइनरी क्यों लेके जाता है क्योंकि साइंसदान है ना उन्हीं की वजह से ये सारे लफड़ पड़े हुए वो कहते हैं कि ये और भी ज्यादा एफिशियट है क्योंकि बाइनरी कोड जो है ये कंप्यूटर की जुबान है अगर आपको पता हो जीरो वन जीरो जीरो वन ठीक है हाँ मैं वन जीरो वन वो सुना होगा ना आपने तो ये जीरो वन जीरो वन इस तरीके से चलता है और बाइनरी कोड वाले हॉट इनकोडिंग वाले कहते हैं ये ज्यादा एफिशिएंट है लेबल इनकोडिंग वाले कहते हैं इतना भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है अगर डेटा बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर ये भी यूज़ कर लें सो so, कब कैसे कहां पे यूज करना है उसके बारे में बाद में बात करते हैं बट द थर्ड थिंग इज बेसिकली वो है ही बाइनरी इनकोडिंग ठीक है वो क्या करते हैं आप बाइनरी इनकोडिंग ये अभी आप समझ लेंगे ना आपका टाइम आगे बचेगा क्योंकि ये बार बार हमने करनी है जी और मैंने कभी एक तरीका यूज करना कभी दूसरा कभी तीसरा तो फिर आप परेशान ना होइएगा तीसरी मैंने बताई आपको बाइनरी इनकोडिंग बाइनरी इनकोडिंग क्या करती है ठीक है ये सेम वन हॉट इनकोडिंग की तरह ही चलती है ठीक है एट द एंड ये भी वही काम करती है कि द बाइनरी वैल्यूज आर कैलकुलेटेड यूजिंग द पावर ऑफ टू इसमें एक सिंपल सा रूल जो डिफरेंट करता है डिफरेंशिएट करता है उसको भी ये है कि ये वन हॉट इनकोडिंग की तरह ही चलती है यूनिक वैल्यूज को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के कॉलम बना देती है और उसको बेसिकली बाइनरी डेटा के बेस पे सेपरेट करती है इट डजेंट टेक एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारे पास सेक्स का कॉलम एक आ गया ठीक है मैंने आपको बताया कि उसको आप दो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करके बाइनरी कर देते हैं मेल और फीमेल को जीरो दिस इसमें और हॉट इनको में क्या फर्क हुआ यहाँ पे एक रूल यूज होता है बाइनरी वैल्यूज आर यूजिंग द पावर्स पावर्स ऑफ टू का रूल यहाँ पे यूज होता है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट वैन वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस बाइनरी वैल्यूज कोडर जिसकी एक प्रॉपर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है कैटेगरी कैटेगरी उसको हम इंस्टॉल करेंगे और उससे ये काम करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बाइनरी कोड पावर ऑफ टू का क्या रूल है और ये कैसे यूज होता है ठीक है इसमें यही फर्क है बाकी वन फोर्ट इन कोडिंग और बाइनरी कोडिंग में कोई इतना खास फर्क नहीं है पावर ऑफ टू का रूल जो है हम इसको देखेंगे और इसके लिए जो लाइब्रेरी मैंने आपको बताई है वो है कैटेगरी अंडरस्कोर इनकोडर ठीक है इसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर इस पर काम करेंगे ठीक है ओके आप देखेंगे कि ज्यादातर ना आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सिर्फ मेथड डिफरेंट है उस चीज तक पहुंचने का ठीक है मंजिल मकसूद वही है हमारी नुमेरिक डेटा के अंदर जाना लेकिन मेथड डिफरेंट है अब एक होता है काउंट इनकोडर अब ये क्या चीज होती है काउंट इनकोडर जैसा कि नाम से जाहिर है मैं यहां पे चौथा लिखता हूं काउंट इनकोडर काउंट इनकोडर वो वाला इनकोडर होता है जैसे कि नाम से जाहिर है अगर मेरे पास सेक्स है मेल और फीमेल ये क्या करेगा इनका नंबर ऑफ अक्रेंसिस यानी कि वैल्यू काउंट फाइंड आउट करेगा जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं

वैल्यू कॉन्स का मतलब अगर ये इकतीस दफा आया तो इसको इकतीस कह देगा इसको थर्टी थ्री कह देगा समथिंग लाइक दिस सही हो गया और ये बहुत कम यूज होता है बहुत कम क्यों यूज होता है जितना छोटा नंबर होगा उतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर आपकी स्पीडी होगी एफिशिएंट होगी फिर आता है टारगेट इनकोडिंग अब ये क्या करता है टारगेट इनकोडिंग एम ही साइंसदानों ने मेथड बनाए और ये यूज़ होते हैं बड़े एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग के अंदर हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो लेबल इन एंड वन हॉट इन या गेट डमिज वाला मैथड ठीक है ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको बताओ टारगेट इन कोडिंग एक बड़ी ही अहम चीज़ है कैसे आपने टारगेट्स की बेस बेस को इनकोड करना था टारगेट क्या होते हैं अच्छा जी अब यहाँ पे आएगा टारगेट क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर फीचर्स और आउटपुट आपने पढ़ी फीचर्स एंड लेबल्स टारगेट्स किन कहा जाता है ज़रा चेक करेंगे देख लें कोई नहीं गूगल कर लें क्योंकि जब भी आप साइकिल से डेटा डाउनलोड करेंगे ना तो आप टारगेट और लेबल्स फाइंड आउट करेंगे तो चेक कीजिए टारगेट और सॉरी टारगेट और बाकी एक्स टारगेट एक्स है कि वाई ये चेक कर लें बस हाँ जी नहीं नहीं चेक करें ऐसे नहीं वैसे तो मैं भी सोचता हूँ टारगेट जी होता है पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं आपको समझ आ जा जाएगी ठीक है टारगेट का मतलब क्या है मंजिल और मंजिल आउटपुट को बोलते हैं ठीक है, है? आउटपुट क्या है वाई। और ये वो वाला वाई है छोटे वाला ठीक है अब ये क्या करता है इनकोडिंग क्या करता है दिस मेथड रिप्लेसेस ईच कैटेगरी विद द मीन ऑफ द टारगेट वेरिएबल फॉर दैट कैटेगरी पढ़ के ना पंगा मैं आपको बताता हूँ क्या है ये है मेरे पास x ये मेरे पास y ठीक है x के अंदर मेरे पास मेल और फीमेल है ठीक है आपको पता ही है ना और यहाँ पे y मेरे पास क्या है फॉर एग्जाम्पल उनका कि उनकी जेब में पैसे कितने हैं पी ले लेते हैं ठीक है जितने भी मेल्स है ना उन सभी को मैंने काउंट किया और उनकी एवरेज निकाल ली और वो मेरे पास एक वैल्यू आई मतलब 240 डॉलर

जी मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी होपफुली मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट का इशू बन गया है सो so इस वजह से मैं अपनी स्क्रीन भी नहीं शेयर कर पा रहा एंड एग्जैक्टली uh, exactly. तो <coughs> मेरे ख्याल से इट विल टेक टाइम तो आई थिंक हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कल को सो आई वुड सजेस्ट कि मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज इट विल टेक टेक अ टाइम बिट

एग्जैक्टली exactly. मैं आपके साथ कोड्स वगैरह शेयर कर दूंगा और फिर इनशाला इस पे बात करते हैं ठीक हो गया मैं यहाँ से जो है अपना पहले तो लाइव स्ट्रीम को यहाँ से रोकने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल